फरवरी माह के अंतिम 12 दिन आपकी जिंदगी में ही कई बड़े खेल होने वाले सभी चीजों से अवगत हम आपको करवाएंगे, लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो ऑडियो हम आपके लिए रोजाना लाते रहते हैं, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, पर यह देखकर हमारा दिल काफी दुखता है। साथ ही दोस्तों आपसे विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर दीजिए और रोजाना अपना राशिफल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आपकी जिंदगी में यह फरवरी का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों तो इस महीने बालाजी महाराज आपके ऊपर खूब कृपा बरसाएंगे, आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा करेंगे और शनि की टेढ़ी चाल से भी आपकी रक्षा करेंगे और आपको हर प्रकार का सुख देंगे, हर प्रकार की समृद्धि लेंगे और आपके साथ परछाई बनकर चलेंगे। तो बोली जय बजरंगबली। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कम सबसे प्रधान है और जो इंसान कर्मठ होता है, जो इंसान अपने कर्म पथ पर अडिग रहता है वह जीवन में सारे सुख पाता है, लेकिन जो कर्मों से भागता है, जिम्मेदारियों से भागता है वह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। अगर फरवरी के महीने को शानदार बनाना है तो कमी आपको बनना पड़ेगा और कम भी अच्छे करने होंगे। अगर काम का बोझ बढ़ रहा है तो चिंता मत करिए, लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। अगर सिलेबस एकदम से बदल जाता है तो विद्यार्थियों चिंता मत करिए, है जितना हो सके प्रयास करने की कोशिश करिए। अगर आपकी जिंदगी में एकदम से कोई तूफान आ जाता है तो डगमगाए ना ही, बल्कि सोचिए कि ईश्वर ने इसके पीछे क्या अच्छा सोचा है, क्योंकि आने वाले समय में आपका सब अच्छा होने वाला है। बस आपकी यही सोच आपको जीवन में हमेशा संतुष्ट रखेगी, हमेशा प्रसन्न रखेगी, हमेशा खुश रखेगी। आने वाले फरवरी के महीने में आपके भीतर जो गजब का आत्मविश्वास है, गजब का उत्साह है, वही आपके काम बनाएगा होगा। हर किसी के मन में यही चिंता है कि क्या ग्रहों की नकारात्मकता हमें झेलनी पड़ेगी, लेकिन क्या दुर्भाग्य का हमें सामना करना पड़ेगा। तो आपकी यह सोच दोस्तों गलत है। जितनी ज्यादा आप आत्मविश्वास आपके अंदर लाएंगे फरवरी के इस माह में, हमें आप उतनी ही उपलब्धियां हासिल करेंगे लेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, यह बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपका कोर्ट कचरे का कोई मैटर चल रहा है, मसला चल रहा है, तो विजय आपकी होगी, लेकिन गलत चाल नहीं चलनी है। कर्मठ बनना है तो सही काम में है, गलत काम नहीं करने वाले। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इंसान को उसके क्रोध पर जरूर काबू रखना चाहिए। और आपकी राशि वालों की होगी यह सबसे बड़ी समस्या है कि जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको क्रोध आता है, तो आपका खुद पर कंट्रोल नहीं होता था, आप किसी को कुछ भी बोल देते, किसी के प्रति कोई भी भाव मन में ले आते हैं और यही चीजें से दोस्तों जीवन में अर्थ का अनर्थ करती है, आपके रिश्तों को दूर करती रहती है, आपसे बड़े बड़े पद पर इन्हीं कारण से दूर हो जाते हैं आपके क्रोध की वजह से। तो खुद को सामान्य बनाए रखे। अगर बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है आए तो मौन व्रत धारण कर लिया। हालांकि जिंदगी में हर चीज से निकला जा सकता है, हमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फरवरी का महीना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा अवसर है और आपको इस अवसर का पूरी तरह से फायदा उठाना है। कमीशन पर काम करने वाले लोगों को टारगेट पूरा मिलने वाला है और चिंता बनी रहेगी तो टारगेट पूरा नहीं होगा। चिंता को खुद से दूर रखिए। किया जो इंसान चिंता में अपना जीवन निकाल देता है वह कभी चैन से हंस नहीं पाता था, लेकिन जो बिंदास होकर अपनी जिंदगी के हर काम को करता है स्वयं भगवान उसका साथ देते हैं और वह आग के दरिया को भी पार करके अपना इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखवा लेता है। आपको फरवरी के महीने में क्या सावधानी बरतनी है जरा ध्यान से सुनिएगा लेगा, क्योंकि यही सावधानियां आपको खतरों से बचाकर रखेगी। समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। जरूरत है सकारात्मक सोचने के लिए कि कई बार हमारा समय तो अच्छा होता है लेकिन हमारी सोच
उस समय को खराब कर देती है। मन में विचार आते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके आगे नहीं टिक पाऊंगा, होगा यह काम बहुत बड़ा है और मैं आज से पहले मैंने इतना बड़ा काम नहीं किया, जाएगा यह चीज आपके काम बिगाड़ दी है। यहाँ आप थोड़ा सा सावधान रहें, रही और यह सावधानी जरूर बरते कि मन में आने चाहिए यह सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ख्याल, क्योंकि वही आपके फरवरी को शानदार बनाएंगे। जब भी महीने की शुरुआत होती है तब हमारे हाथ में पैसा आता है। जो भी लोग नौकरी करते हैं वह यह बात जानते हैं, लेकिन आप एक गलती कर देते हैं कि वह पैसा महीने के शुरुआती दिनों में ही खर्च कर देते हैं। तो आपके शौक उतने हैं, आपकी जरूरत है इतनी है, पैसा बच नहीं पाता और फिर महीने के अंत में आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारा आपसे खास अनुरोध है, इस बार यह गलती नहीं करनी है। मात्र 28 दिन की बात है, इस तरह से शुरुआत का पैसा अंत तक लेकर जाना है। यह आपके अंदर भावना होनी चाहिए कि आपके अंदर एक प्रबंधन होना चाहिए। आइए आगे लव राशिफल की हम बात करें तो बहुत अच्छे और उत्कृष्ट परिणाम निकल कर आने वाले हैं। वाले बहुत सुखद पल व्यतीत करने वाले हाल ऐसा समाज बनेगा जो आज से पर नहीं बना पाया, लेकिन छोटी मोटी बातों को आपको तूल नहीं देना है। रिश्तों में छोटी छोटी बातों को पकड़ना, बात बात पर साथी को कोसना या बात बात पर शक करना है, यह जो अवगुण है यह रिश्तों को खा जाते हैं। और फरवरी के इस माह में यह बात का खास ध्यान रखें, यदि आपने पहले से किसी योजना में धन निवेश किया था तो अब वह लाभप्रद साबित होगा। आपकी बहुत बड़ी गलती यह है कि आप तत्काल लाभ की कामना करते हैं। जिंदगी में एकदम से आपको कभी भी लाभ नहीं होगा। अगर आपने कहीं निवेश किया है तो आपको धैर्य बनाकर रखना होगा, और अगर अभी भी कहीं निवेश करने वाले हैं और आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो निवेश मत करिएगा, क्योंकि एकदम से परिणाम नहीं लेंगे, परिणाम 2 से 3 महीने बाद मिलते नजर आ रहे हैं। यदि लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए आप इधर उधर भटक रहे थे तो आप भगवान आपकी इस भाग दौड़ का फल आपको देने वाले हैं, नहीं है फरवरी के महीने में अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। लेकिन जरूरत है 3 बातों का ध्यान रखने की। सबसे पहले दोस्तों की आप समय का ध्यान रखें कि अगर आपको कोई इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, अगर आपको किसी ने बुलाया है तो समय से पहले पहुंच जाएगा, ताकि वह व्यक्ति एक बात तो समझ जाए कि यह व्यक्ति सच में बहुत ज्यादा समय का सदुपयोग करने वाला है। अगर मैं इसे काम दूंगा तो यह मेरे लिए काफी अच्छा जाएगा। दूसरा, यह दोस्तों की जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसकी तैयारी करके आपको जाना है, अगर तैयारी नहीं करेंगे तो पूरा लाभ नहीं होगा। और तीसरा यह कि अगर आपको काम मिला है तो उस काम को बिना आलस्य के की ईमानदारी के साथ और दिल लगा कर के करना है। यही चीज आप को दिन बा दिन तरक्की के द्वार पर लेकर जाया जाएगा। इस वीडियो के अंत में मैं उपाय भी दिए हैं, हमने जरा ध्यान से सुनिएगा। आप इतना ध्यान रखे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में जब भी हमें कोई कदम बढ़ाना हो तो सोच समझ कर कदम बढ़ाना चाहिए। किसी के काबे में आकर भूल कर भी कोई शॉर्टकट आप ले, इस कारण भविष्य में बद्धी परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों को सीनियर जूनियर का सहयोग प्राप्त होगा तो आपको भी किसी के भरोसे नहीं रहना है, अपने काम खुद करने हैं। और अगर मौका बनता है किसी कागज पर हस्ताक्षर करने का काम तो साइन करने से पहले सोच विचार कर लेना है, उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ना कहीं ऐसा ना हो कोई व्यक्ति आपके साथ ठगी कर दे। भाई या बहन के साथ साथ किसी बात पर विवाद भी हो सकता है, थोड़े सतर्क रहिए और प्रेम संबंधों में सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाएगा। कोई भी फैसला लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह आप बिल्कुल भी ना ले वाले, इतना ध्यान रखे कि हर शुभचिंतक शुभ नहीं होता था। कई लोग भय की आड़ में भेज दिए होते हैं, जिन पर भरोसा तो आप मीच कर करते हैं लेकिन वह हमारे भरोसे के काबिल नहीं होते थे। अब 2 उपाय बता रहे हैं, है ध्यान से सुनेंगे तो आपका भी काम हो जाएगा। अब उपाय बता रहे हैं, गलतियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं,
जो आपको फरवरी 2024 के महीने में भूलकर भी नहीं करनी है। आपकी गलतियों का परिणाम आपके पूरे महीने पर देखने को मिलेगा और नकारात्मक ग्रह भी अपने आप पर आप ही हो सकते हैं। इसीलिए इन गलतियों से खास तौर पर फरवरी में दूर रहिएगा। आने वाले फरवरी माह के शुरुआती दिनों में किस्मत आपको मौका देने वाली है, लेकिन आपकी मेहनत सबको चौंका देने वाली है। तो वे सभी लोग जो भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला वाला, लेकिन जो अपने खराब समय को भी अच्छा करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, अब ग्रह गोचर उनका साथ देने वाले हैं। और यकीन मानिए, आपकी किस्मत चमकने वाली है, लेकिन सभी से विनम्रता पूर्वक आपको बात करनी होगी। बोलने का तरीका का इतना शानदार होना चाहिए कि सामने वाले को भी लगे कि मैं इस महान व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। जल्दीबाजी या तैश में आकर कोई फैसला आपको नहीं लेना होगा है। ऑफिस के नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा है, वरना जो आपके उच्च अधिकारी है वो आपसे नाराज हो सकते हैं, जिसके तहत है भविष्य में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह दिन बहुत बढ़िया लाभ लेकर आ रहा है। अगर आपका पार्टनर है जो साझेदार है, वहाँ आपका बचपन का मित्र है, तो यह पार्टनरशिप बहुत लंबी चलने वाली है। भाग्य की मजबूती अगर आपको बनानी है तो अपने इरादों को, अपने प्रयत्नों को मजबूत करना होगा और जिंदगी में इतना ध्यान रखना होगा कि भला किसी का अगर आप करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। और दया अगर किसी के ऊपर दिखाओगे तो वह आपको याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। जिंदगी में परोपकार के काम करने में कभी पीछे नहीं हटना है ना है। अगर मौका मिलता है किसी की मदद करने का तो बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेना है। यही तरीका है जिंदगी को सफल बनाने के लिए, कि यही तरीके हैं जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए। ध्यान इतना रखिए कि जाने अनजाने में किसी को भी आप अपशब्द या कठोर शब्द न कही रही संयमित भाषा का इस्तेमाल आप करे, यह आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। अपने फील्ड से जुड़े कार्यों में आप खिलाड़ी बनेंगे, और बैंकिंग सेक्टर में काम अगर आप करते हैं तो प्रमोशन या फिर ट्रांसफर की बात चल सकती है। दिया इतना ध्यान रखे कि देखिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई बहुत क्लोज है, आपके बहुत आपके से जुड़ा हुआ है, और उस व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो उसे माफ कर दीजिएगा देगा, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी वह मोती ही रहता है। और ऐसा हो सकता है आपका कोई करीबी आपके साथ विश्वासघात कर दे या आपको धोखा दे रहे थे, लेकिन बाद में वह आपसे माफी भी मांगी और आपको उसे एक बार माफ जरूर करना है था। अगर बार बार रिपीट कर रहा है तो उसे माफ नहीं करना है, लेकिन एक मौका आप उसे जरूर दे। आने वाले इस महीने में अपना हुक्म चलाने नहीं या ऐसा कोई काम करने का समय नहीं है जो कि परेशानियों को खड़ा करे। इसलिए आगे वीडियो में हम जो सावधानियां आपके सामने रख रहे हैं, इसे बहुत ध्यान से आपको ना होना है, गंभीरता के साथ ही ने फॉलो करना है, तभी आप खतरों से बच पाएंगे। देखिए, कुछ लोग यहाँ आपको मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ाने का झांसा देकर करके आपसे पैसे लूटने की कोशिश करेंगे, इनसे बचकर रहें। गया सेमिनार और प्रदर्शनी अगर आपके क्षेत्र में लगी है तो वहाँ पर जरूर जाइए, वहाँ आपको नई नई जानकारियाँ और तथ्य प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में थे तो नकारात्मक पलों का सामना आपको इस फरवरी माह में करना पड़ सकता है। हो सकता है रिश्तों में खटासा जाए, एक दूसरे की बातें चुभने लगे, कुछ गलतफहमियां रिश्तों को तार तार कर दे। और अगर बार बार आपकी एक दूसरे के साथ लड़ाई होती है तो हमारी आपको एक ही सलाह रहेगी कि जहां भी आप रात्रि में सोते हैं, जो भी आपका बेडरूम है, वहां पर प्रेमी जोड़े की एक तस्वीर, जो प्रेमी पक्षी जोड़ी की एक तस्वीर, आप वहां जरूर लगाएं। आपको फायदा अवश्य होगा। जो भी इस फरवरी माह में आपसे उधार मांगने आते हैं, उन्हें आप पूरी तरह से नजरअंदाज करे, क्योंकि अगर पैसा इस दौरान गया तो उस पैसे के आने की संभावनाएं शून्य नजर आ रही है। दोस्तों के साथ आप शाम को खुशनुमा पल बिताने वाले हैं,
वह मजेदार और रोमांचक रहेंगे और प्रेम संबंधों में जो आपकी शिकायतें थी वह गायब होने वाली है। लिए कई दिनों से दोस्तों आपके मन में कुछ सवाल जवाब था, अपने साथी को लेकर मन में कुछ शंकाएं हुई थी, भ्रम था और उन सभी गलतफहमियों को दूर किनारा मिलने वाला है और आपके बीच रिश्ते को एक नई शुरुआत प्राप्त होने वाली है। लिए बस इतना ध्यान रखें कि कार्य क्षेत्र में समय और सूझबूझ के साथ ही कदम आगे बढ़ाना है, जो योजना दिमाग में आ रही है उस पर तुरंत काम करना है, वरना कोई और उस पर काम करके सारा क्रेडिट ले जाएगा। ग्लानी और पछतावे में वक्त बर्बाद बिल्कुल भी ना करें, बल्कि जिंदगी से सीखने की कोशिश करें। देखिए कि जिंदगी की राहों में हमेशा हम सफल होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कभी हमें सफलता मिलेगी तो कभी हमें विफलता था, लेकिन हमें लगातार चलते रहना है और सीखते रहना है। एक गलती से एक सीख लेनी है और दोबारा उस गलती को जीवन काल में कभी नहीं दोहराना है। खुशियों का सच है आपका जीवन साथी भी आपको हर संभव खुशी देगा और रोमांस के नजरिए से कोई खास आशा मत रखिए जाएगा, क्योंकि छोटी मोटी नोक झोंक तो लगी ही रहेगा। आपको ऐसी जगह से महत्वपूर्ण बुलावा आएगा जहां आपका कभी जाने का हुआ ही नहीं, आपके जीवन साथी का जो आंतरिक सौंदर्य है, जी हां दोस्तों, जो उनकी सादगी है, जो उनका निर्मल हृदय है, वह आपको बहुत प्रभावित करने वाला है और आप महसूस करेंगे कि आप कितने भाग्यशाली हैं उनके जैसा जीवन साथी आपके भाग्य में है। तो भगवान का शुक्रिया अदा करना है कि इतना अच्छा जीवन साथी उन्होंने आपके साथ जोड़ा, उनकी कद्र करनी है और उनके साथ जीवन में आगे बढ़ना है। अब उपाय हम आपको दोस्तों बताने जा रहे हैं, बहुत आसान शानदार उपाय है, सरल है, आप इन्हें बड़ी आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहला उपाय जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, शुक्रवार के दिन आपको सबसे पहले उपाय करना है कि लाल कपड़े में 5 कोरिया और 5 लौंग बांध लेनी है और इस पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रखना होगा। ऐसा करने से धन में बहुत बरकत इंसान के बन जाती है। यदि आप कोई शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलते समय में 2 लौंग आप अपने मुंह में रख लीजिए, आपको उस काम में जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन अब एक उपाय हम मंगलवार का आपको बताने जा रहे हैं जो कि बहुत चमत्कारी कह रही है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने अपनी सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसी दीपक में लौंग का जोड़ा डाल दे, वहीं पर बैठकर के हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, आपका काम जरूर बनेगा। अगला उपाय बहुत चमत्कारी है और इसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यह उपाय आपको तरह तरह की नकारात्मक शक्तियों से बचाने वाला है। आपको को 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं और इन्हें भी अपने स्तर पर से 7 बार उतार लेना है। अब किसी चौराहे पर जाना है और 4 दाने अलग अलग दिशाओं में फेंक देने हैं और जो 5वां दाना था उसे ऊपर हवा में उछाल देना है ना है और चुपचाप घर आ जाना है, आपका काम हो जाएगा। आएगा अब एक लोटे में जल लीजिए, उसमें कमल गट्टा डालिया लिया और भोले बाबा के शिवलिंग पर वह कमल गट्टे में कमल गट्टे के साथ 8 जल अर्पित कर दीजिए और मंत्र रहेगा आएगा और धारणाएं न माने बनाया जाना नमो नम। इस मंत्र के इतने जबरदस्त परिणाम है कि जातक का बहुत जल्दी आर्थिक विकास हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।